वॉल्यूम्स का जिक्र करने अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से हम लाए हैं हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ। और जैसे कि मार्केट सिचुएशन फ्लक्चुएट हो रही है, तो आप ज़रूर अपनी शेयर्स को अच्छे सेक्टर्स में डाइवर्सीफाई करें। जिन सेक्टर्स की तरफ आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आप उन सेक्टर्स को भी स्टडी कीजिए, उनके फाइनेंशियल रिव्यूज़ को स्टडी कीजिए, ताकि आप अच्छी यील्ड, अच्छा डिविडेंड ले सके। अगर मार्केट सिचुएशन, इस मार्केट सिचुएशन में आपको अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, तो आज हम डिस्कस करते हैं तैयब के साथ मार्केट सिचुएशन को कि कैसा उसने बिहेव किया। जी तैयब जी, आज हमने देखा कि जो 100 इंडेक्स है वो 43 पॉइंट इजाफे के साथ 40,592 की सतह पर बंद हुआ, और जो वॉल्यूम्स थे वो काफी कदरे बेहतर देखने को मिले आज, और जो टोटल टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया वो 156 मिलियन का रहा है। जी, और वॉल्यूम लीडर शेयर्स कौन से थे आज के? जी, आज वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो सबसे नुमाया शेयर्स हैं उनके अंदर जो सबसे टॉप शेयर रहा वो कराची इलेक्ट्रिक है 77 मिलियन के साथ। इसके साथ साथ जो शेयर्स नुमाया हैं उनके, उन्होंने वर्ल्ड कॉल जो है 8 मिलियन के साथ, टीआरजी पाकिस्तान 7 मिलियन के साथ, सुई सर्दरन गैस जो है 5.4 मिलियन के साथ, और असगर 9.45 मिलियन के साथ नुमाया शेयर्स हैं। जी नईम सर, कल तैयब ने डिस्कस की थी मार्केट सिचुएशन इस वीक में कैसा बिहेव करती रहेगी, तो आपको क्या लगता है और हमें लॉन्ग टर्म शेयर्स भी कुछ रेकमेंड कर दीजिएगा? जी, जैसा कि हफ्ते के पहले दिन इस बात पर बात हुई कि जो हालिया वीक है उसमें मार्केट काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी करेगी, जो हमने पिछले आज का दिन डाल के पूरे दिन जो है तीन ट्रेडिंग सेशन में देखा कि एक बहुत वोलाटाइल और रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी गई तीनों सेशन में, जहां पर आज भी आपने देखा कि 100 इंडेक्स तकरीबन 193 पॉइंट्स का हाई पोस्ट किया अपनी ओपनिंग के बिल्कुल 15 मिनट में, जबकि उसके बाद हमने देखा इंट्राडे एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जिसके बायस 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स नेगेटिव जोन में भी ट्रेड होता हुआ देखा गया, जबकि कारोबार के आखिर में फिर सरमायाकारों की दिलचस्पी के बायस 100 इंडेक्स मुस्बत जोन में बंद होने में कामयाब रहा। जी फुरकान अशरफ साहब, हम गोल्ड के बारे में मरातब सर हैं वो आपको बताएंगे, और कल मरातब सर हमारे साथ होंगे इस सेशन में जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, और नेक्स्ट वीक से वो भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे जो कि वीक में 2 or 3 days जो है आपको अपडेट किया करेंगे मार्केट सिचुएशन से। और नेम सर वर्ल्ड कॉल के बारे में बताइएगा, वर्ल्ड कॉल। जी, वर्ल्ड कॉल इस वक्त एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है, जहां पर जो उसका लोअर बाउंड्री है वो 2.50 रुपए की है, जहाँ पर हम उसको सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, जबकि अपर बाउंड्री उसकी 3.50 रुपए की है, तो जो काफ़ी नैरो मार्जिन है तकरीबन 1 रुपए का जिसके जो ट्रेडिंग रेंज है, तो जो इस वक्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है बेस्ट पॉसिबल वो 3.5 की जो रेजिस्टेंस है उस पर प्रॉफिट को बुक करना और 2.5 रुपए में दोबारा रिपर्चेज करना। जी, एंड नेम सर प्लीज टेल मी अबाउट जीएटीएम टारगेट प्राइस। जी, टेक्निकली स्पीकिंग गोलेम टेक्सटाइल 37 से 38 रुपए के दरमियान एक रेजिस्टेंस को बनाए हुए है, जहां पर पिछले दो सेशन में हमने देखा कि स्टॉक को काफी रेजिस्ट करना पड़ा फरोख्तकारी के दबाव की वजह से, जबकि इसी असना में उसे 31 से 32 रुपए के दरमियान एक सपोर्ट लेवल भी हासिल है। जी,
जी नहीं सर, लोटे केमिकल के बारे में क्या व्यूज हैं आपके? जी लॉटे केमिकल्स इस वक्त 6 रुपए के आसपास स्पोर्ट लेने की काफी तगड़ो में है, लेकिन फिलहाल नई सरमायाकारी के लिए स्टॉक जो है वो सूदमंद नहीं है जी। एंड अवैस पूछ रही है मुगल फ्यूचर सर। मुगल आयरन एंड स्टील इस वक्त 62 से 63 में बहुत क्लासिकल फॉर्मेशन में है, जहां पर हमने देखा कि ट्रेडिंग ग्राफ पर उसका डबल टॉप की फॉर्मेशन है जी। तो लिहाजा नई सरमायाकारी के लिए एक अच्छे और सॉलिड सपोर्ट लेवल की जरूरत दरकार होगी, जहां पर स्टॉक जो है वो जो उसका करंट रेट है और जो उसकी सपोर्ट प्राइस डिफाइन हो सकती है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो फिलहाल ट्रेडिंग सरमायाकारी से खासतौर पर नई सरमायाकारी से इजतनाब करना काफी सूदमंद रह सकता है जी। तो ये डीसीएल के बारे में बताइएगा, मजीद कितना डाउन जा सकता है ये डीसीएल? जी दीवान सीमेंट जो है ये अपने हाई को एक पोस्ट करने के बाद से कंटिन्यूसली डिक्लाइन का शिकार है और अभी तक जो है वो अपनी 12 से 12.5 रुपए के ऊपर एक स्पोर्ट को बनाए हुए है और पिछले 1 से 1.5 मंथ के ऊपर ये इसी स्पोर्ट को ऑक्यूपाई किए हुए है। सो करंटली जो शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए है अब 12 से 13.5 रुपए की रेंज के अंदर इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट सेक्टर्स में अभी आप थोड़ा सा वेट एंड सी की पॉलिसी को अपनाएं। जी थैंक यू सो मच इंजीनियर सभी साहब। और तैयब एफएफएल लॉन्ग टर्म के लिए बताइएगा और इसकी बाइंग प्राइस भी। जी फौजी फूड जो है अभी करंटली जो इसकी 18 रुपए के ऊपर स्पोर्ट है, आप 17.5 से 18 रुपए के ऊपर इसको बाय कीजिए और 19.5 से 20 रुपए के ऊपर इसका करंट रेजिस्टेंस शो होती है, इसके ऊपर आप अपने प्रॉफिट को बुकिंग कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 इयर्स तक हो सकती है। ठीक है, और गरीबपाल सीमेंट को कैसा देख रहे हैं और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के बारे में भी बताइएगा? ओवरऑल जिस तरह पहले दीवान सीमेंट की बात हुई, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर अभी स्टिल ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है और ये अभी तक कोई भी सीमेंट जो है इंडिविजुअली इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया कि उसके अंदर फ्रेश बाइंग की जाए। सो करंटली आप इन्वेस्टमेंट के लिए सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा मजीद वेट कीजिए, बिकॉज 2 से 3 मंथ्स जो है अभी सीमेंट सेक्टर के अंदर इनकी प्राइसेस के अंदर कोई खातर खा मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही जी। एंड एवीएन फ्यूचर बताइएगा दिया। जी एवीएन जो है उसकी अभी जो करंट रिकमेंडेशन है वो सेलिंग की है, आप उसको सेल कीजिए और आपको कोई 36 से 37 रुपए का रेट मिलता है, इसके ऊपर आप इसको बाय कीजिए। जी ठीक है, और हमारे व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो ये वीडियो कर रहे हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है और वो लोग जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे अवेयर हो सके। और नेम सर पीपीएल बाइंग एंड सेलिंग प्राइस बताइएगा। जी पीपीएल का इस वक्त का 200 रुपए प्लस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां पर इसी असना में 185 से 190 रुपए में उसको सपोर्ट भी हासिल है। तो एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो बहुत नैरो है इस वक्त पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिए, जब तक कि 200 रुपए प्लस का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच नहीं हो सकता। जी ठीक है, एंग्रो के बारे में तो अतीकुर रहमान साहब हम डिस्कस कर चुके हैं एंड एफएफसी बताइएगा नेम सर। जी एफएफसी अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का वो लॉन्ग टर्म है तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। जी और मुर्तजा खान साहब है हमारे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं और इन्होंने हमारी सिक्योरिटी में भी रिसेंटली ही अकाउंट को प्रोसीड किया है और नहीं सर के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछ रहे हैं कि किस रेट पर इन्हें बाय करना। जी के इलेक्ट्रिक 5 से 5.50 के बीच में एक स्पॉट को बनाए हुए है तो ये काफी अच्छा स्पॉट है नई सरमायाकारी के हवाले से। जी ठीक है, एंड नहीं सर एसएनजीपी के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? जी एसएनजीपी में इस वक्त 107 से 108 पे हल्की सी सपोर्ट है
तो स्टॉक जो है वो अपने डिविडेंड से एक्स होने के बाद अपनी सपोर्ट लेवल को कंफर्म करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो इंतजार करना काफी सूदमंद रहेगा जी। एंड नेम सर, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कौन से शेयर्स रेकमेंड करेंगे आप? जी हमारे ख्याल में इस वक्त फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले मिड टू लॉन्ग टर्म की सरमायाकारी के लिए जी। अली रजा आस्क अबाउट हम नेटवर्क। जी हम नेटवर्क इस वक्त काफी जो उसकी ट्रेडिंग रेंज है काफी टाइट है, जहां पर 10 रुपए का रेजिस्टेंस है और तकरीबन 8.5 रुपए की सपोर्ट लेवल है जी। आसिफ साहब हैं नेम सर, इन्होंने एफएफसी के बारे में जैसे आपने पहले बताया है, इन्होंने 80 रुपीस पर बाय किया था, अब ये होल्ड रखें या कि सेल कर दें इसको? जी आतिफ साहब का जो इन्वेस्टमेंट टाइम है उसी पे सारा डिपेंड करता है जी। अगर तो वो लॉन्ग टर्म है तो उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, अगर उनका टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म है तो 90 से 92 रुपए पे उनको एक दफा एग्जिट लेना चाहिए जी। ठीक है तैयब, आईएसएल फॉर 1 ईयर टारगेट प्राइस। जी इंटरनेशनल स्टील जो है वो आप 106 से 107 रुपए की स्पोर्ट के साथ इस रेट पे बाय कीजिए, और 1 ईयर के लिए इसका टारगेट 150 प्लस होगा, 160 से 70 रुपए के दरमियान हो सकता है जी। मोहम्मद एजाज है और जेएस जेसीएल बाइंग टाइम बताइएगा इन्हें। जेएस जेसीएल जी अभी इसकी जो करंट टारगेट प्राइस है ये 55 से 56 रुपए के ऊपर मौजूद है, सो ये रेट आपको मिले आने वाले सेशंस के अंदर तो आप इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए जी। एफएफएल फॉर 5 ईयर होल्डिंग और मोर जी, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर ये काफी सूटेबल शेयर है फौजी फूड जो है, और इसकी जो रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल के लिए काफी पॉजिटिव स्टॉक है, सो आप इसको होल्ड कीजिए और काफी पॉजिटिव इंडिकेटर है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं जी। ठीक है और तैयब मोहम्मद अमीन सेप्को के बारे में पूछे हैं। वो आई थिंक उसकी अभी तक ट्रेडिंग सस्पेंड है जी। ठीक है और पेल बाइंग रेट क्या होगा? जी पेल जो है आप 54 से 55 रुपए के ऊपर बाय कीजिए। ठीक है और ई फूड्स कैसा दिख रहा है? पहले हम लोगों ने इसको बताया है एग्रो फूड्स के बारे में जी। एग्रो फूड जो है आप जो है वो 77 से 78 रुपीस के ऊपर इसकी एक्सपोर्ट है, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं और 85 तक इसकी एक रेजिस्टेंस शो होती है शॉर्ट टर्म के लिए, सो आप इस रेट पे इसको सेल कीजिए इस प्राइस रेंज के अंदर 77 से लेके 85 के अंदर, इस प्राइस के अंदर आप जो है बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं जी। एंड मूसा जवाद है जी, जीएल फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। जी लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो टारगेट प्राइस होगा वो 100 प्लस में होगा, और अभी इसके थोड़े से हॉरिजॉन्टल चल रही है रैली इसकी, सो करंटली थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। और इमरान रजाक है पीएसओ, पीएसओ के बारे में बताइएगा तैयब। जी पीएसओ करंटली उसके अंदर अभी तक सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है, और उसके जो करंट सपोर्ट है ये 300 रुपए के ऊपर मौजूद है लेकिन वेरी शॉर्ट है, सो अभी आप ऑयल सेक्टर को वॉच एंड सी की लिस्ट में रखिए। ठीक है एंड पीआईए कैसा देख रहे हैं आप? जी पीआईए जो है इसकी जो करंट सपोर्ट है ये 4 से 4.5 रुपए के ऊपर मौजूद है, सो अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आजकल की मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इतनी ज्यादा प्राइस मूवमेंट इसमें नहीं आती लो वैल्यू स्टॉक होने की वजह से, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो पीआईए है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर होगा जी। नेम सर एग्रो कॉर्पोरेशन है 270 पर बाइंग है, इसको होल्ड रखा जाए या सेल कर दिया जाए? जी एग्रो कॉर्पोरेशन फरोख्त के दबाव में था जब वो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स के जो लार्ज कैप से निकलकर स्मॉल कैप में शिफ्ट हुआ,
तो इस वक्त जो उसका सपोर्ट है वो तकरीबन 250 रुपए के आसपास है, जबकि जो रेजिस्टेंस होगी वो 280 रुपए के आसपास हो सकती है। जी डी एस एल जो 14 रुपए का रेजिस्टेंस है वो काफी भारी पड़ रहा है इस वक्त मार्केट की कंडीशंस में, तो जब तक 14 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता तो नई जो रेजिस्टेंस है वो डिफाइन नहीं हो सकेगी। जी मूसा साहब थैंक यू सो मच। और नदीम नईम भट्ट हैं, पॉल के बारे में पूछ रहे हैं सर, POL। जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड अगर तो आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम मिड टू लॉन्ग टर्म है तो आपको होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज आपको 635 से 650 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए। जी नहीं सर। एंड जुबैर पूछ रहे हैं बिल्फ के बारे में, BILF। जी बिलाल फाइबर इस वक्त 2.5 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल है, तो हालिया जो उसका रेट है बिलाल फाइबर का और जो सपोर्ट लेवल है उसमें काफी डिफरेंस है, तो मजीद इंतजार की जरूरत है बिलाल फाइबर के हवाले से। जी एंड नेम सर, साजगार आज अपर लॉक क्यों था और इसके लिए प्रेडिक्शंस क्या है आपकी? जी साजगार का जो 165-166 रुपए का रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया आपने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जबकि नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस होगा वो 188 रुपए से 192 रुपए के दरमियान में है। जी थैंक यू नईम सर एंड थैंक यू तैयब, वेलकम। हमारे जिन व्यूअर्स को भी हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप हमारे फोरम्स को अपनी क्यूरीज क्लियर करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, हमारी लाइव चैट, और आप विजिट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू मार्केट तो आप नईम सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तैयब से भी आप इसके लिए लाइव चैट पर डिस्कस कर सकते हैं। और कल हम अपने टाइम पर 4:30 पर आएंगे एंड हमारी वीडियो जो है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज है, और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, इसकी लर्निंग करवाइए। Thank you so much. Allah Hafiz.